नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप लोग सभी बढ़िया होंगे। सिट्रोन ने अपनी नई वैली C3 को अनवील कर दिया है, जो कि इस ब्रांड का इंडिया में एक सब 4 मीटर SUV होगी या फिर एक हैचबैक। और मैं इस गाड़ी को हैचबैक क्यों बोल रहा हूँ, ये अगर आप लोगों को जानना है तो मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं इसका आंसर जरूर दूंगा। इस गाड़ी में एक बढ़िया लुक मिल जाता है और साथ ही ये नई टाटा की पंच का साथ कॉम्पीट करेगी। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो में इस गाड़ी का फुल कंपैरिजन टाटा पंच का साथ और इस गाड़ी का फुल डिटेल जानने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाए और आप लोग उस वीडियो को एंजॉय कर पाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को नई टाटा पंच के बारे में जानना है तो मेरे इस वीडियो को देखिए, जिसका आई बटन में लिंक आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। तो पहले हम लोग इस गाड़ी का लुक के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये गाड़ी कुछ अलग ही लगता है इसका सेगमेंट में, जिसमें कि सामने आप लोगों को इस गाड़ी का लोगो इंटीग्रेटेड इसका ग्रिल में मिल जाता है और साथ ही में इस गाड़ी का जो लाइट सेटअप है ये डुअल स्प्लिट में मिल जाती है, जहां पर ऊपर में आप लोगों को LED सेटअप और नीचे में हैलोजन सेटअप का हेडलाइट मिल जाता है। इसका सामने बंपर में दोस्तों कुछ ज्यादा क्रोम फिनिश तो नहीं है, लेकिन एक मैट एक व्हाइट फिनिश आप लोगों को मिल जाता है। और दोस्तों, इसका सामने जो कॉर्नरिंग या फिर फॉग लैंप है उसमें आप लोगों को एक ऑरेंज आउटलाइन मिल जाता है, जो कि दोस्तों मुझे उतना कुछ ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है, थोड़ा टॉय जैसा, थोड़ा खिलौना जैसा फील मुझे आ रहा है। और नीचे इस गाड़ी में जो स्किड प्लेट जैसा दिखाई दे रहा है, ये स्किड प्लेट तो नहीं है, लेकिन इस गाड़ी का लुक को बहुत ज्यादा बढ़िया बना देता है। इस गाड़ी में दोस्तों साइड में आप लोगों को 16 इंच का टायर सेटअप मिल जाता है, जो कि इस गाड़ी का हिसाब से थोड़ा छोटा ही है, लेकिन फिर भी दोस्तों काफी अच्छा ही लग रहा है इसका बॉडी का साथ। और दोस्तों, इस गाड़ी में जो डोर हैंडल आप लोगों को मिल जाता है वो थोड़ा जो पुराना वाला स्टाइल में जो नीचे से हाथ घुसा के कुछ को खोलना पड़ता है वैसा वाला मिल जाता है, जो पुराना मारुति 800, मारुति ओमनी इस सब में आता था, वैसे ही डोर हैंडल इसमें मिल जाता है, जो कि थोड़ा ओल्ड स्कूल तो है लेकिन काम बढ़िया करेगा और इसमें कुछ ज्यादा वेयर एंड टेयर भी नहीं होगा। और साइड में दोस्तों इस गाड़ी में आप लोगों को नीचे एक बड़ी सी ब्लैक क्लैडिंग मिल जाएगी, जिसमें एक ऑरेंज एक्सेंट मिल जाएगा, जो इस गाड़ी का स्पोर्टीनेस को दिखाता है, जो कि दोस्तों सिट्रोन का एक हेरिटेज सिग्नेचर स्टाइल है। सिट्रोन का हर गाड़ी में ऐसा एक टच मिल जाता है। इसका जो हाइट है ये आप लोगों को बढ़िया मिल जाता है और इस गाड़ी का जो कलर स्कीम है ये डुअल टोन मिल जाता है, जहाँ पर दोस्तों इसका जो रूफ है ये ऑरेंज कलर में आ जाता है, लेकिन दोस्तों इंडिया में ऐसा वाइब्रेंट ऐसा ऑरेंज कलर तो नहीं चलेगा मुझे जहाँ तक लगता है। इंडिया में दोस्तों आप लोग व्हाइट, ग्रे ये सब कलर ही चलता है, ऐसा वाइब्रेंट कलर तो थोड़ा मुश्किल ही होगा, क्योंकि ऐसा वाइब्रेंट कलर होने से जो रीसेल वैल्यू होता है उसमें थोड़ा इफेक्ट आ जाता है, मतलब जो रीसेल वैल्यू है वो कम हो जाता है। और पीछे से दोस्तों इस गाड़ी का जो लुक है वो मुझे बढ़िया लग रहा है और जो सिट्रोन का लोगो है वो बीच में दिया गया है। और दोस्तों जो इसका बैकलाइट सेटअप है ये आप लोगों को LED मिल जाता है, लेकिन जो दोस्तों इंडिकेटर है ये आप लोगों को हैलोजन वाला बल्ब भी मिल जाता है। तो दोस्तों, ये गाड़ी टाटा पंच के साथ कैसे कम्पीट करेगी ये जानने से पहले दोस्तों हम लोग इस गाड़ी का टोटल स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। ये जो गाड़ी है ये इंडिया में फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 में लॉन्च हो सकता है और इस गाड़ी में दोस्तों आप लोगों को एक 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाएगा। और दोस्तों, डीजल ऑप्शन इसमें अवेलेबल होगा कि नहीं होगा वो अभी तक तो क्लियर नहीं है, लेकिन आगे चल के अगर इसके बारे में कुछ भी पता चलता है तो मैं अपडेट कर दूंगा। और दोस्तों, इस गाड़ी में जो ट्रांसमिशन आएगा यहाँ पर आप लोगों को 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन आएगा और एक ऑटोमेटिक भी आएगा, ये इतना श्योर है दोस्तों। इस गाड़ी में इंटीरियर में आप लोगों को डुअल टोन फिनिश मिल जाएगा और जो डैशबोर्ड होगा वो ब्लैक कॉम्प्लीमेंट्री कलर में दिया जाएगा, जिसमें कि दोस्तों ऑरेंज एक्सेंट यहाँ हुआ इंसर्ट रहेगा। और दोस्तों, इस गाड़ी में आप लोगों को एक 10 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाएगा, जिसमें कि दोस्तों एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों ही मिल जाएगा। और दोस्तों, इसका जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा ये सेमी डिजिटल क्लस्टर मुझे जहाँ तक लगता है होगा। और दोस्तों, इसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी मिल जाएगा, जिसमें कि दोस्तों क्रूज कंट्रोल और जो ऑडियो मीडिया का जो कंट्रोल रहता है वो आप लोगों को स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाएगा। इस गाड़ी में जो सीटिंग कैपेसिटी रहेगा दोस्तों वो मैक्सिमम 5 पीपल का कैपेसिटी रहेगा। दोस्तों, ये जो गाड़ी है ये इंटरनेशनल मार्केट में हैचबैक के रूप में आती है, लेकिन इंडिया में शायद सिट्रोन इसे एक SUV का नाम में लॉन्च करें, क्योंकि दोस्तों इंडिया में जो SUV का मार्केट है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग मार्केट है, जो कॉम्पैक्ट SUV का मार्केट है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग मार्केट है, और सिट्रोन शायद इसे एक SUV का नाम में इसे लॉन्च करें इंडिया में, क्योंकि दोस्तों ये जो गाड़ी है इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा जो नॉर्मल हैचबैक होता है उनसे थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए दोस्तों ये SUV जैसे तो लगता है, लेकिन सिट्रोन का खुद का वेबसाइट में जो UK का वेबसाइट है वहाँ पर उन लोगों ने इस गाड़ी को एज अ हैचबैक मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये जो गाड़ी है ये एक हैचबैक है, ये एक SUV नहीं है, क्योंकि सिट्रोन खुद इसे एक हैचबैक कहता है, एक SUV नहीं। अब दोस्तों हम लोग जान लेते हैं ये गाड़ी टाटा पंच के साथ कैसे कॉम्पीट करेगी। दोस्तों, इस गाड़ी का जो प्राइसिंग रहेगा और जो टाटा पंच का प्राइसिंग रहेगा वो दोनों सेम एक ही सेगमेंट में रहेगा। और दोस्तों, टाटा पंच भी एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV रहेगा और दोस्तों सिट्रोन भी शायद इस गाड़ी को एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV का नाम में इंडिया में लॉन्च करेगा। तो दोस्तों, ये जो गाड़ी है सिट्रोन C3 और टाटा पंच ये दोनों डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो जाता है एक दोनों का। और अब हमें दोस्तों इन गाड़ियों का जो बेस मॉडल रहेगा उसमें क्या क्या फीचर सिट्रोन और टाटा प्रोवाइड करता है वो हम लोग को देखना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो देखते हैं दोस्तों ये दो गाड़ी जब लॉन्च होगा एक दूसरे को कैसे कंपटीशन देती है। आखिर में दोस्तों, इस गाड़ी का प्राइसिंग और ये गाड़ी कब लॉन्च होगा ये जानने से पहले, अगर आप लोगों का मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है इस गाड़ी को लेके, तो मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी एनेबल कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाए और आप लोग उस वीडियो को एंजॉय कर पाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को टाटा ट्रक्स के बारे में जानना है तो मेरे इस प्लेलिस्ट को देखिए, जिसका आई बटन लिंक आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। तो दोस्तों, इस गाड़ी का जो लॉन्च होगा वो शायद 2022 का फर्स्ट क्वार्टर में हो जाएगा।
और दोस्तों इस गाड़ी का जो मेन सेलिंग पॉइंट रहेगा वो होगा इसका स्टाइलिंग। इसका स्टाइलिंग थोड़ा यूनिक है और इसका जो कलर एक्सेंट और इसका जो वाइब्रेंट कलर जो दिया गया है दोस्तों ये शायद लोगों को अपील कर सकता है। लेकिन दोस्तों पर्सनली मुझे इस गाड़ी का जो ये कलर स्कीम है ये मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है। और हाँ दोस्तों ये जो गाड़ी है ये इंडिया में एक कॉम्पैक्ट एसयूवी का कैटेगरी में ही लॉन्च होगा। हालांकि इंटरनेशनली ये एक हैचबैक गाड़ी है दोस्तों। इस गाड़ी का जो एक्सपेक्टेड प्राइस रहेगा इंडिया में दोस्तों वो करीब 6 से लेकर 10 लाख का बीच में ही होना चाहिए। और अगर इस गाड़ी का प्राइसिंग इससे ज्यादा हो जाता है तो दोस्तों ये मुझे नहीं लगता ये गाड़ी इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा इंडिया का मार्केट में। तो देखते हैं दोस्तों सिट्रोन इस गाड़ी को कैसे इंडिया में प्रेजेंट करती है और इसका प्राइसिंग कितना रखती है। तो दोस्तों थैंक यू मेरा ये वीडियो देखने के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और गाड़ी के साथ।